आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग वीडियो नंबर 4। पॉइंट इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अर्थात क्लोथिंग मटेरियल का इतिहास। बच्चों, जैसे कपड़े आज के समय में हम सब यूज कर रहे हैं और जिनमें मटेरियल लग रहा है, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर लगे हुए हैं, चाहे आपके कॉटन लगा हुआ है, ऐसे नहीं थे। इतना ज्ञान मनुष्य को नहीं था शुरू में, स्टार्टिंग में नहीं था, इसीलिए वो रॉ मटेरियल के रूप में, अर्थात क्लोथिंग मटेरियल्स के रूप में प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट का यूज करता था। प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट का यूज करता था उस समय, क्योंकि ज्यादा जानकारी नहीं थी। जैसे ब्रांचेज ऑफ द लीव्स हो गई, ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज हो गई, लीव्स हो गई है, ऐसे ही स्किन ऑफ द एनिमल्स हो गई और फर ऑफ द एनिमल्स हो गए, जैसे जंतुओं के बाल रेशे के रूप में यूज किए गए। अच्छा, अब बच्चों कहने का मतलब ये है कि बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों की छाल जो ऊपर अपर पार्ट ऑफ द ट्रीज होता है, एंड बिग लीफ बड़ी बड़ी पत्ते जैसे बनाना लीफ को बॉडी कवर करने के लिए यूज किया जाता था ऑफ द ट्रीज, एंड एनिमल स्किन, और एनिमल स्किन का भी यूज करते थे लोग उस समय, फर ऑफ द एनिमल भी यूज करते थे, फर मीन बाल, हेयर भी यूज करते थे, वो क्लोथिंग मेटेरियल था। परंतु बच्चों, आफ्टर सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, अर्थात कृषि समुदाय में व्यवस्थित होने के बाद, दे लर्न टू वीव, उन्होंने बुनाई सीखी, अर्थात इसी मटेरियल से फिर उन्होंने वीविंग शुरू किया, बुनाई शुरू की, ठीक है, क्लोथ के रूप में। अर्थात क्लोथ किससे बने हुए थे उस समय? वो बने हुए थे एक या तो एक तरह से पेड़ों के टहनियों से, पत्तों से, या वो पशुओं की त्वचा से, या उनके बालों से, ये। तो नेक्स्ट, वाइंस, एनिमल फ्लैश और हेयर ऑफ हेयर वर यूज ट्विस्टिंग टूगेदर, इन्हीं को ट्विस्टिंग किया जाता था साथ साथ में, इनटू लॉन्ग स्ट्रेन, उनसे लंबे स्ट्रेन प्राप्त किया जाता था, एंड दीज स्ट्रेन वर यूज इन वीवन पर्पस इनटू द फैब्रिक, और उनसे फैब्रिक बनाए जाते थे, यानी आज जैसे वस्त्र नहीं थे, वो नॉर्मल वस्त्र थे जो जंतुओं या पादप उत्पाद से बनते थे समय, उनकी ब्रांचेस से या एनिमल्स की स्किन से बनते थे या उनके बालों से। नेक्स्ट बच्चों, अब जैसे जैसे आविष्कार हुआ, उसके बाद कॉटन और फ्लैक्स दो क्रॉप्स थी, इनके फाइबर का यूज किया गया इंडिया में फैब्रिक प्राप्त करने के लिए, और इन क्रॉप्स को दो रिवर्स के नियर कल्टीवेटेड किया गया, रिवर गंगा, रिवर नाइल, यहां पर इन फसलों को उगाया गया और इनके फाइबर से फैब्रिक प्रिपेयर किया गया। बच्चों, अब बच्चों उस समय बात यह है कि एक साथ लोग बाग जैसे ही कॉटन क्रॉप्स आई या सिल्क फाइबर प्राप्त हुए है या सिंथेटिक फाइबर हुए, तो तुरंत यूज करना शुरू कर दिया उनको, सिलाई सिलाई वाले वस्त्र यूज कर लिए, जैसे आज हम टेलर के पास जाते हैं। बच्चों, उस समय सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं था, लोग अनस्टिच्ड बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनते थे, और जैसे ही सुइंग नीडल्स का, सिलाई सुई का या मशीन का आविष्कार हुआ, लोगों ने स्टिच्ड क्लोथ पहनने शुरू कर दिए, यूज करने शुरू कर दिए, और आज हम स्टिच्ड क्लोथ का ही यूज करते जा रहे हैं, आज सिले हुए वस्त्रों का ही यूज किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ आज भी ऐसे वस्त्र हैं जो अनस्टिच्ड क्लोथ ही यूज किए जा रहे हैं, अनस्टिच्ड क्लोथ ही हम यूज कर रहे हैं। जैसे क्या है, साड़ी, जो औरतें साड़ियां पहनती हैं वो बिना सिली हुई होती हैं, जो मेल धोती पहनते हैं, जैसे साधु महात्मा आपने देखा हो, पीले वस्त्र धारण करते हैं, वो भी अनस्टिच्ड होते हैं, लुंगी भी ऐसी होती है, टर्बन पगड़ी भी ऐसी होती है, समझे। तो आज भी कुछ वस्त्र ऐसे हैं जिन्हें बिना सिले पहना जाता है। तो अब देखो, एक चीज और है, थोड़ा सा रह गया था
भाई एक कॉटन प्लांट से कैसे हम फैब्रिक प्राप्त करते हैं, ये फ्लो चार्ट है इसका। कॉटन बाल ले ली, इसकी गिनिंग की जिससे फैब्रिक प्राप्त हो गया, फैब्रिक की स्पिनिंग की तो हमें यार्न प्राप्त हो गया, यार्न से या तो वीविंग या निटिंग करके फैब्रिक प्राप्त हुआ। दोबारा समझिए, कॉटन बाल्स की गिनिंग की, गिनिंग से फाइबर प्राप्त हुआ, फाइबर की स्पिनिंग की, स्पिनिंग से यार्न प्राप्त हुआ, यार्न से फैब्रिक प्राप्त किया बाय वीविंग और बाय निटिंग। समझे नहीं? जैसा पॉसिबल है। आप देखिए, ये रहा, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो नंबर 4। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अगेन। थैंक यू, और वीडियो जरूर देखते रहा।